नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज है 21 जनवरी और आज संडे है। और आपको तो पता ही है कि कल यानी कि 22 जनवरी को भारत में श्री राम जन्मभूमि पे जो मंदिर बना है उसका उसमें श्री राम भगवान का आज मतलब कल प्राण प्रतिष्ठा है। और इसके लिए मोदी जी ने सारे देशवासियों को बोला है कि इस दिन पे दिवाली मनाई जाए। तो उसी संदर्भ में आज मैं जा रहा हूँ घर की साफ़ सफाई करने। तो आज की वीडियो में मैं ये दिखाऊंगा कि यहाँ पे अमेरिका में यहाँ के अपार्टमेंट्स में हम साफ़ सफाई कैसे करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है तो उसके संदर्भ में आज मैं आपको दिखाऊंगा। तो जैसे कि मैंने अपने जो घर वाला जो वीडियो बनाया था, घर का जो टूर दिया था, उसमें दिखाया था कि यहाँ पे पूरे फर्श पे कारपेट लगा हुआ है, दैट इज एक्चुअली फिक्स किया हुआ है। तो कारपेट पे भी तो गंदा होता है, भले वो दिखता हो या ना हो, गंदा होता है। तो उसके लिए आपको पता है कि यहाँ पे मतलब कारपेट साफ करने के लिए वैक्यूम क्लीनर की जरूरत पड़ती है। तो आज देखिए मेरे हाथ में है वैक्यूम क्लीनर और इससे मैं पूरा घर साफ करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कितना मेहनत लगता है, क्या होता है और कितना समय लगता है मुझे ये पूरा साफ सफाई करने में। तो आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, कि जब हम भारत में थे तो इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मेहनत बेसिकली वहाँ पे इसलिए नहीं जरूरत पड़ती कि हमें हाउस हेल्प मिल जाता था। कुछ पैसे दो और आपके घर की जो मेड है या फिर हाउस हेल्पर है वो आपके लिए साफ सफाई कर देगा। यहाँ पे हाउस हेल्प लेना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। उसके लिए मतलब कि आपको एक काइंड ऑफ एक रेगुलेटेड यहाँ पे हाउस हेल्प के लिए भी सारी चीज़ें हैं, तो उसमें आपको पैसा आपको बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पे इस तरह का इकोसिस्टम बनाया गया है ताकि आप जो भी अपनी साफ सफाई करें वो रोज करने की जरूरत ना पड़े, हफ्ते दो हफ्ते में एक बार करें अपनी साफ सफाई और आपका घर साफ सुथरा रहे। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता था। तो एक और चीज़ यहाँ पे देख लीजिए कि ये एक काइंड ऑफ है 10 12 बाई 10 का या 14 बाई 10 का ये मेरा हॉल है और इसको साफ करने में हार्डली मुझे 5 से 10 मिनट लगा है। कोने कोने मुझे साफ करने हैं अभी, लेकिन फिर भी जो ऊपर ऊपर का जो है वो 5 से 10 मिनट में साफ हो गया। कोने का साफ करने में हार्डली मुझे 5 मिनट और लगेंगे। तो आप देख सकते कितना कितना जल्दी ये सब साफ सफाई हो जा रहा है। अब कोने कोने की सफाई करने के लिए इसको ये वाले को मैंने यहाँ से डिटैच कर लिया है और इससे बस हम साफ करेंगे तो कोने कोने में ये जो नोजल है इससे साफ हो जाएगा। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक और चीज़ आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं भारत में था तो मैं साफ़ सफाई नहीं करता था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही बोरिंग काम है साफ़ सफाई करना और मेहनत का काम है। पहले झाड़ू लगाओ, फिर पोछा लगाओ, फिर
बहुत सारी चीज़ें करना पड़ता है, डस्टिंग करो, बट यहाँ पे मोस्टली मैं ही साफ सफाई करना चाहता हूँ, बल्कि मेरी पत्नी मुझे नहीं करने देती है, फिर भी मैं इससे छीन लेता हूँ कि नहीं मुझे ही साफ करना, क्योंकि यहाँ मज़ा आता है साफ करने में, ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है और एक सेटिस्फेक्शन आता है कि साफ हो रहा है। तो मुझे लगता है कि भारत में लड़के इसलिए भी ज़्यादा साफ सफाई करना पसंद नहीं करते कि बोरिंग काम है वो, और यहाँ पर उतना बोरिंग नहीं है। ये वैक्यूम क्लीनर जो है ये सिर्फ आपके कारपेट पे ही नहीं, इवन ये जो वुडन फ्लोरिंग होता है उस पे भी आप आराम से इसको चला सकते हैं। तो अगर आपके पास झाड़ू नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, ये वुडन फ्लोरिंग यहाँ ज़्यादा नहीं है, जस्ट किचन और ये काइंड ऑफ फोयर एरिया में है, तो यहाँ पे अपना आप वैक्यूम चला सकते हैं, हार्डली 2 मिनट में आपका सब साफ हो जाएगा। तो ये देखिए साफ सफाई करने के बाद इतना सारा कूड़ा निकला है, और ये कूड़ा मतलब कि देख सकते हैं मोस्टली ये काइंड ऑफ धूल ही है और या फिर उसके रेशे होंगे कारपेट के। तो जनरली इतना कूड़ा निकल जाता है जब भी आप एक बार साफ कीजिए। तो साफ सफाई हो गया है और साफ सफाई करने के बाद मैं नहा लिया हूँ। तो जो भी मैंने आपको दिखाया है अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मैं इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।